जय जवान जय किसान किसान भाइयों आज हम आपके लिए न्यू ओलैंड छत्तीस तीस टी एक्स सुपर मैक्स ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं बहुत ही जबरदस्त और नई टेक्निक का ट्रैक्टर किसान भाइयों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे लुक में ट्रैक्टर है ये थ्री पीस बोनट के साथ आता है मेटेलिक पेंट है इसका बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्टर है आप इसके लोगो को देख सकते हो जो कि न्यू होलैंड का लोगो है और उसी के ऊपर ये इसका एयर फिल्टर है ये ऑयल इमर्ज एयर फिल्टर होता है किसान भाइयों जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके बारे में और आगे हम डिटेल बात करेंगे आप ये देख सकते हो इसकी जाड़ी है बहुत ही मोटी और हैवी जाड़ी है ये इसे धूल धुबे कंकर पत्थर से बचाती है और हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करती है इसके बाद किसान भाइयों हम इसके लाइट के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसकी हेलोजन की लाइट है बहुत अच्छी लाइट दी हुई है जिससे कि हमारा किसान भाई रात में अंधेरे में दूर तक देख सके और ज़्यादा समय तक काम कर सके ये इसका बम्पर आप देख सकते किसान हो किसान भाइयों पचपन किलो का बम्पर कंपनी अपनी तरफ से देती है ताकि ट्रैक्टर आगे से उठे ना कितना भी हैवी वेट क्यों ना खींचती रहे अब किसान भाइयों इसके हम आगे वाले टायर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये गुडियर कंपनी का टायर है ये सात पचास सोलह के अंदर टायर आते हैं बहुत अच्छी ग्रिप मानी जाती है बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है चार लाइन के अंदर इसका टायर दिया हुआ है इस ट्रैक्टर का जो कि बहुत ही अच्छा टायर लगा के दिया हुआ है अब इसके एक्सेल की बात करते हैं तो ये एडजस्टेबल एक्सेल के अंदर दिया हुआ है बहुत ही अच्छा और हैवी एक्सेल है इसका हैवी ड्यूटी एक्सेल है इसके आप इसके स्पेंडल को भी देख सकते हो चौकोर स्पेंडल दिया हुआ है और इसका जो स्टेयरिंग है वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के अंदर है बहुत ही अच्छी कटाई होती है घुमाने में ट्रैक्टर को कोई परेशानी नहीं होती अब इसके बाद किसान भाइयों हम इसके फिल्टर की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इसे ऊपर से निकालना पड़ता है और ये थ्री बोनेट के अंदर आता है इससे क्या है किसान भाइयों फ़ायदा कि जिस जगह कोई दिक्कत है तो उसी बोनेट को आप ऊपर करके वहाँ के मेंटेनेंस कर सकते हो आपको पूरा बोनेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आप देख सकते हो किसान भाइयों ये हमारा एयर फिल्टर है ये ऑयल इमर्ज एयर फिल्टरी कहते हैं इसके अंदर तेल होता है जो कि एयर को बहुत अच्छे से क्लीन करके और साफ करके शुद्ध हवा को हमारे इंजन तक पहुंचाता है बहुत ही अच्छी और मोटी पाइप लगी हुई है यह आप ऑरन देख सकते हो इसका सामने की तरफ दिया हुआ है और नीचे इसकी बैटरी है ये बैटरी भी किसान भाइयों वेट का, का काम कर रही है इस ट्रैक्टर को आगे से से उठने नहीं देगी अब आप इसके ये जो इसका रेडिएटर दिया हुआ है इसके बारे में बात करेंगे तो सामने की तरफ आप देख सकते हो छोटा सा जो रेडिएटर है इसे इंटरकूलर भी कहते हैं ये जो इंटरकूलर वाला रेडिएटर है किसान भाइयों ये हमारे जो इंजन के ऑयल को और हमारे स्टेयरिंग के ऑयल को ठंडा करके हमारे इंजन तक पहुंचाता है जिससे कि क्या होता है हमारा इंजन गर्म नहीं होता और लंबे समय तक काम करता है और मेंटेनेंस फ्री रहता है उसी के पीछे एक और रेडिएटर दिया हुआ है जो कि हमारे इंजन के वाटर को और एयर को कूल करके हमारे इंजन तक वो भी पहुंचाता है तो दो दो सिस्टम इसके अंदर कूलिंग के दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की गई है अब किसान भाइयों इसकी हम इंजन पूरे इंजन को आपको दिखाते हैं और उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं तो आप देख सकते हो किसान भाइयों कितना हैवी मैकेनिज़्म बना रखा है इस ट्रैक्टर का ये किसान भाइयों पचास एच के अंदर ट्रैक्टर आता है लेकिन है उससे ज़्यादा का ये इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप ये इन पाइपों को देख सकते हो किसान भाइयों ये हमारे रेडिएटर से आई हुई हैं और सीधा हमारे इंजन से जुड़ी हुई है जिससे कि साफ़ और शुद्ध हवा और ठंडी हवा हमारे इंजन को मिले ये रेडिएटर का ढक्कन आप देख सकते हो ये भी हमारे इंजन से कनेक्टेड है इसके बाद किसान भाइयों ये, ये कूलेंट टैंकी दी हुई है जिसमें आप कूलेंट वगैरह डाल सकते हो और ये भी हमारे इंजन को ठंडा रखने का काम करता है ये इंटरकूलर है जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है इसके बाद किसान भाइयों आप ये देख सकते हो पीछे से रेडिएटर हमारा इसमें जो पंखा लगा हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है टूट फूट की कोई शिकायत नहीं है बहुत अच्छे से कवर कर रखा है हमारे इंजन को इसमें यह दो ग्लासियाँ दी हुई हैं जो कि हमारे डीजल को बहुत अच्छे से क्लीन करके हमारे इंजन तक पहुँचाती हैं आप ये देख सकते हो किसान भाई एक और टैंक है जो कि हमारे स्टेयरिंग का टैंक है इसके अंदर स्टेयरिंग का ऑयल होता है वो अच्छे से क्लीन होकर के हमारे स्टेयरिंग को मेंटेनेंस फ्री बनाता है और लाइफ लॉन्ग वो चलता रहता है हमारा स्टेयरिंग इसके बाद किसान भाइयों आप देख सकते हो ये हमारा इंजन है ये किसान भाइयों तीन सिलेंडर इंजन है इक्कीस सो आर पी एम काम करता है ये पचास एच पी से ऊपर का इंजन है लेकिन हमारी कंपनियों को टर्बो और ई जी आर ना देनी पड़े इस वजह से इसको पचास एच पी के कैटेगरी में रख रखा है इसके अलावा किसान भाइयों उनतीस सौ इकतीस सी सी का इसका सी सी है और बोर इसका एक सौ चालीस एम एम है और फर्स्ट स्ट्रोक इसका एक सौ पंद्रह एम एम किसान भाइयों जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है कम डीजल खाता है और ज़्यादा काम देता है मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा लागत मुनाफा देता है हमारे किसान भाइयों के लिए किसान भाइयों ये इन लाइन पम्प के अंदर आता है जो कि बॉस कंपनी का है ये तीन नोजल के अंदर है किसान भाइयों आप देख सकते हो एक दो तीन ये बहुत ही अच्छा इंजन है किसान भाइयों ये हमारे हील दी हुई है किसान भाइयों इसके अंदर भी हमारा डीजल बहुत अच्छे से क्लीन होता है और उसके बाद हमारे इन गलासियों में जाता है इसमें भी हमारे डीजल को क्लीन करने का काम करती हैं गलासियाँ ये गलासियाँ किसान भाइयों ट्रैक्टर लेने के 50 घंटे बाद एक बार सर्विस होती है और फिर 300 सौ घंटे बाद इनकी सर्विस की जाती है इसके बाद किसान भाइयों आप नीचे की तरफ देख सकते हो ये हमारा पावर स्टेयरिंग का और लिफ्टों का पंप लगा हुआ है जो हम ये आगे वाला हमारा जो है पावर स्टेयरिंग का और पीछे वाला लिफ्ट वाला पंप है और उसी के नीचे ग्लासी लगी हुई है जो कि हमारे लिफ्टों की पंप के ऑयल को क्लीन करने का काम करती है और ये आप देख सकते हो किसान भाई ये हमारा स्टार्टर है जो कि तुरंत चाबी लगाते तुरंत हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है ये हमारा वाटर सेपरेटर है अगर डीजल में पानी वगैरह हो तो वो इसको अलग कर देता है ये हमारा जो डीजल टैंक है किसान भाइयों साठ लीटर का डीजल टैंक है फाइबर के अंदर आता है जिससे कि क्या होता है जंग वगैरह लगने का कोई खतरा नहीं होता और ये जल्दी गर्म भी नहीं होता आप डीजल टैंक से हमारा जो डीजल है वो वहाँ से होता हुआ हमारे ये टी थ्री फिल्टर के अंदर आता है और यहाँ अच्छे से इसका कचरा निकल जाता है उसके बाद ये हमारा वाटर सेपरेटर के पास आता है अगर पानी वगैरह हो तो वो भी बाहर निकल जाता है वाटर सेपरेटर से होते हुए ये हमारा हील में आता है हील में डीजल हमारा क्लीन होने के बाद इन दो गलासियों में जाता है और ग्लासियों के बाद हमारा ये पंप के अंदर आता है किसान भाइयों इसके अंदर प्लंजर होते हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं और हमारे डीजल को इन नोज़ल से होते हुए हमारे सिलेंडर तक पहुंचाते हैं और इसके बाद हमारा इंजन बहुत अच्छे से काम करता है और हमारे इंजन को पावर मिलती है तो इसका बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म बना के दे रखा है किसान भाइयों के लिए अब किसान भाई अब आगे बात करते हैं इसके टूल बॉक्स की तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा टूल बॉक्स दिया हुआ है अपने ज़रूरत का सामान किसान भाई इसके अंदर रख सकता है पीछे आप देख सकते हो ये इसके ब्रेक हैं किसान भाइयों ये ऑयल इमर्ज ब्रेक होते हैं इसके अंदर आप इसे सिंगल या फिर डबल लॉक करके आप इसे लगा सकते हो इसमें ब्रेक ये इसकी पैर की रेस दी हुई है किसान भाइयों बहुत ही अच्छे और स्मूथ रेस है आप देख सकते हो कि आप रेस लगाते हुए भी, भी आप इसमें देख सकते हो कि कितने अच्छे से रेस लग रही है अब साइड से बात करेंगे इस ट्रैक्टर की किसान भाइयों तो आप देख सकते हो पचास प्लस का मतलब यही है कि 50 एचपी से ज्यादा का ये ट्रैक्टर है लेकिन इसे 50 एचपी की कैटेगरी में रखा गया हुआ है ये रिवर्स पीटीओ के अंदर ट्रैक्टर आता है इसका ये अल्टरनेटर देख सकते हो किसान भाइयों आप 32 एंपियर का अल्टरनेटर है ये हमारी बैटरी को चार्ज करने का काम करता है इसके साथ ही किसान भाइयों एक और ग्लासी दी हुई है ये हमारे इंजन की ग्लासी है जो कि इंजन के ऑयल को क्लीन करने का काम करती है नीचे आप ये देख सकते हो इसके अंदर जैसे ट्रैक्टर के इंजन ऑयल को डालना वगैरह हो या फिर चेकिंग करनी हो तो आप इसे चेक कर सकते हो कि हमारे इंजन में हमारे ट्रैक्टर के इंजन में कितना ऑयल है आप इसके पायदान को देख सकते कि भाई हो किसान भाइयों कितना बढ़िया अच्छा पायदान है माता बहन बूढ़ा बुजुर्ग हमारे किसान भाई आसानी से इस पर चढ़ सकता है ये जो इसका क्लच है किसान भाइयों ये डबल क्लच के अंदर आता है ये ट्रैक्टर जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है क्लच दबाने में पैर वगैरह में कोई दर्द की शिकायत नहीं है अब हम इसको ऊपर से दिखाते हैं किसान भाइयों है। तो आप देख सकते हो कितना ऊंचा हमारा ट्रैक्टर है सिलेंसर भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसके बाद किसान भाइयों हम अपने क्लस्टर मीटर के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्लस्टर मीटर दिया हुआ है डिजिटल क्लस्टर मीटर है किसान भाइयों आप देख सकते हो इसके अंदर रेस है टेम्परेचर का मीटर है डीजल का मीटर दिया हुआ है हर एक चीज मतलब हमारे किसान भाइयों के सामने दी हुई है साथ ही किसान भाइयों डिजिटल क्लस्टर मीटर है इसके अंदर कितने घंटे हमारा ट्रैक्टर चला है उस सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं इसकी लाइटों वगैरह के बारे में तो आप देख सकते हो इसमें इंडिकेटर की लाइटें लगी हुई हैं यहाँ से वो कंट्रोल होंगे इसके बाद ये हमारा स्टेयरिंग है किसान भाइयों बहुत ही अच्छा स्टेयरिंग दिया हुआ है कटाई वगैरह करने में बहुत आसानी रहती है ये हाथ की रेस है ऊपर करने पर हमारा स्पीड में हो जाएगा नीचे करने पर हमारा स्लो हो जाएगा किसान भाइयों इसके बाद ये ये चाबी लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैक्टर में अब हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं ये किसान भाइयों हमारे ट्रैक्टर को बंद करने का दे रखा है अब इसके बाद किसान भाइयों ये जो ओरन वगैरह दिया हुआ है ट्रैक्टर का यहाँ से हमारा ट्रैक्टर पूरा बंद हो जाएगा ये और लाइट लाइटें दी दी हुई हैं जो हमारी दूसरी लाइटें कंट्रोल होती हैं ये इसकी किसान भाइयों गियर ये फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश और पार्शियल सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के ऑप्शन में भी आते हैं ये आ बारह फॉरवर्ड और तीन रिवर्स गियर के अंदर आते हैं ये साइड शिफ्ट गियर के अंदर है इससे क्या है किसान भाइयों जो गियर इस ट्रैक्टर में है ये लगाने में झटके वगैरह नहीं मारता ट्रैक्टर और हमारी डीजल की भी बचत करता है तो बहुत ही अच्छे गियर लगाए गए हैं इसके अंदर जो कि फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश में है ये बहुत अच्छे माने जाते हैं इसमें डीजल की बचत होती है और झटके वगैरह भी नहीं लगते हैं ये हाई लो और मीडियम तीन गियर के अंदर ये ट्रैक्टर आता है बहुत अच्छा और उम्दा क्वालिटी का ये ट्रैक्टर है इसके बाद किसान भाइयों आप साथ में देख सकते हो इसकी पीटीओ की ये क्लच दिया हुआ है जो कि इसको आगे करने से पीटीओ हमारी स्टार्ट हो जाती है और साथ ही किसान भाइयों बगल में इसका पीटीओ का गियर लगा हुआ है अगर आप आगे करोगे तो 540 चक्कर आगे और पीछे करोगे तो 540 चक्कर रिवर्स में ये पीटीओ हमारी चलने लगती है इसके साथ ही किसान भाइयों बगल में इसमें ये ड्राफ्ट लीवर पोजिशन लीवर दिया हुआ है इसके अंदर जो लिफ्टिंग का कंट्रोल किसान भाई वो बटनों से भी है जो हमारा ड्राफ्ट पोजीशन लीवर है जैसे अम्बी प्लाव कल्टीवेटर वगैरह रोटावेटर वगैरह चलाने में काम आता है इसके साथ ही किसान भाई एक और ये गियर दिया हुआ है ये क्या है कि पल्टी प्लाव अम्बी प्लाव को ऑपरेटर करने में ये Uh, सहायक होता है इसके बाद किसान भाइयों आप ये देख सकते हो इसका मटगाट बहुत बढ़िया है यहाँ पर सीट लगा करके कोई भी माता बहन छोटा बच्चा वगैरह बैठ सकता है आसानी से इसके बाद किसान भाइयों हम इसकी सीट की बात करते हैं तो ये डिलेक्स सीट है एडजेस्टेबल है ये नीचे आप देख सकते हो इसका लीवर है इसके बाद यह आप देख सकते हो मडगार्ड बहुत अच्छा मडगार्ड दिया हुआ है साथ ही इंडिकेटर की लाइटें लगी हुई हैं जो कि बहुत ही मजबूती से लगी हुई हैं पार्किंग वगैरह करने में ट्रैक्टर को आसानी करती हैं इसके बाद हम इसके पिछले टायर की बात करते हैं तो ये सोलह नौ पच्चीस में हैवी ड्यूटी टायर है ये विगुडियर कंपनी के हैं बहुत अच्छे टायर माने जाते हैं लाइफ लॉन्ग टायर होता है ये अब पीछे से हम इस ट्रैक्टर की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे लुक में ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी वो 1700 से 2000 हज़ार के जी तक की होती है लिफ्ट कैपेसिटी इसकी किसान भाइयों जो कि इस श्रेणी में बहुत ही अच्छी मानी जाती है इसकी जो लाइटें हैं जो रात में अंधेरे में हमारा किसान भाई खेत में काम कर रहा है तो वो उसमें मदद करती हैं इसकी जो की पी टी ओ है किसान भाई छह सप्लाइंस के अंदर आती हैं ये जो पी टी ओ इसकी पाँच सौ चालीस रिजर्व और ग्राउंड पी टी ओ आर पी एम पर अड़तालीस से पचास एच पी की पी टी ओ पावर पैदा करता है ये किसान भाइयों बहुत ही अच्छी पीटीओ दे रखी है इसकी ये इसमें तेईस से चौबीस सेंसिंग पॉइंट दिए हुए हैं जो कि कंपनी कहती है और साथ ही आप ये देख सकते हो इसमें ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है जो कि फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकता है हमारे किसान भाई ये इसका कपलर दिया हुआ है किसान भाइयों जो कि कपलिंग फिटेड टिपिंग ट्रेलर पाइप और रिमोट वॉल्व ऑप्शनल के साथ में आता है ये ट्रैक्टर जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है ये ट्रॉली वगैरह हाइड्रोलिक की जोड़ने वगैरह में काम आता है इसके बाद किसान भाइयों हम नीचे की तरफ आप देख सकते हो इसकी पाटड़ी वगैरह है जो कि बहुत ही अच्छी दी हुई है यह इसकी आर्म इंज है जो कि एडजस्टेबल है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो घुमा करके इसमें जो पिछला इसका जो एक्सेल है किसान भाइयों ये हब रिडक्शन टाइप का होता है आप देख सकते हो इसमें बेल भी साथ में दी हुई है जो कि टायर वगैरह को नुकसान ना हो यह आप सिलेंडर देख सक देख सकते हो इसमें पाँच के जी की एक्स्ट्रा इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है जो कि इसी ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी किसान भाइयों और जो ये इसका हब रिडक्शन है इसमें जीरो ग्रीसिंग होती है इसमें ये ऑयल में डूबे हुए होते हैं इसमें ग्रीसिंग वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं होती तो बहुत ही कुल मिला के बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बना के दे रखा है लो मेंटेनेंस है ज़्यादा किफ़ायती ट्रैक्टर है तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है किसान भाइयों धन्यवाद